राजस्थान के दूसरा रामगढ़ पचवारा थाना में श्यामपुरा कला गांव में बीते कल सोशल मीडिया पर भगवान हनुमान के फोटो पर गलत कमेंट करने पर दो पक्षों में आपस में झगड़ा हो गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज किया। वहीं घटना के विरोध में श्यामपुरा कस्बे के सभी व्यापारियों ने प्रतिष्ठान बंद रखकर प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि 27 जुलाई को शाम कुलवीर सिंह की फेसबुक स्टोरी पर बालाजी महाराज की तस्वीर लगाई थी, जिस तस्वीर पर गांव के ही एक नाबालिग लड़के ने कमेंट में शराब, खंजर, बम आदि की इमोजी भेज दी। इसको लेकर कुलवीर सिंह ने नाबालिग लड़के को फोन करके टोका तो दोनों में बात करते करते आपस में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि नाबालिग लड़का खंजर लेकर कुलवीर सिंह के घर पहुंच गया और जैसे ही उसके ऊपर जानलेवा हमला करने लगा तो आसपास मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया। इस दौरान मौजूद लोगों ने रामगढ़ पचवारा थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना का जानकारी लेते हुए दोनों पक्षों की ओर से दिए गए मामले दर्ज किए। वहीं आज गुरुवार को घटना के विरोध में श्यामपुरा कस्बा बंद रहा। इस दौरान व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर श्यामपुरा बस स्टैंड पर धरने पर बैठ गए। वहीं व्यापार मंडल के अध्यक्ष बद्रीलाल मीणा ने कहा कि नाबालिग लड़के की गलती के बावजूद कुलवीर सिंह के खिलाफ रामगढ़ पचवारा थाने में SC ST एक्ट के तहत झूठा मामला दर्ज करवाया है, जबकि सच्चाई ये है कि उससे यहाँ के सभी लोग परेशान हैं। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।